50 मिनट में पूरा एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन से। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे, द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड का मेजर कंपोनेंट है क्या, फूड से हम लोग को क्या मिलता है। हम लोग तो खाना खाते हैं, जानते हैं कि फूड से हम लोग को क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन के साथ साथ हम लोग को विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलता है, लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटीज में मिलता है। और फूड फूड सिर्फ हम लोग फूड तो खा के रह नहीं सकते, हम लोग को क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए। वाटर क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है और हम लोग को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मतलब क्या, प्रोसेस एक क्रिया है, मतलब कन्वर्ट करने का, किसको, कम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को किस में, स्मॉलर और सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में। मतलब जैसे कोई आदमी है, वो बहुत अंदर क्या है, बदमाश है, और उसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, सिंपल में, सीधा साधा बच्चा में। तो वो ये प्रोसेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग एक एप्पल खा लिए, एप्पल क्या है, लार्ज है, कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है, ये तो हम लोग एब्जॉर्ब अपने शरीर में, टिश्यू में करेंगे नहीं, तो क्या है, इसको हम लोग करते हैं, खाते हैं। अब अक्कल कैविटी में जाने के बाद हम लोग उसको टीथ और टंग से, सलाइवा के द्वारा उसको बोलस बनाते हैं, मेस्टिकेट करते हैं, स्टोमक में पहुंचाते हैं, काइम बनाते हैं, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो जाके क्या होता है, हमारे टिश्यू को एब्जॉर्ब करवाता है ब्लड वेसल से। तो ये जो प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोले, डाइजेशन बोले। टीथ व्हिच आर प्रेजेंट इन सॉकेट्स आर कॉल्ड, जो टीथ क्या है, प्रेजेंट है हमारे सॉकेट में। सॉकेट जैसे कि ये हमारा टीथ है, वहाँ का एक बना हुआ है जैसे रास्ता, जगह बना हुआ है जहाँ पे हमारा टीथ क्या होता है, सेट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। और एक बात और, जो ये हमारा क्या है, डाइजेशन अभी पढ़े कि जो हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं कम्प्लेक्स और सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन जैसे कि हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। जो मैक्रो मतलब लार्ज, जो हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उसको हम लोग कभी भी ऐसे यूटिलाइज्ड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उसको हम लोग ब्रोकन डाउन करते हैं कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किस में, सिंपल एब्जॉर्बर सब्सटेंस में। अब हम लोग तो जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल हमारा कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक। पहले माउथ आ गया, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी में टीथ था, मस्कुलर टंग था। अब टीथ में क्या क्या है, टीथ में आता है थीकोडोंट, डायफायोडोंट और हेट्रोडोंट आता है, तीन टर्म आता है। थीकोडोंट में क्या है, जो कहाँ इम्बेडेड है, सॉकेट ऑफ जॉवर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोले। अब आया डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट क्या, डाई मतलब दो। हम लोग क्या देखते हैं, हमारे में दो सेट टीथ आते हैं, एक तो हमारे बचपन में, एक तो हमारे बाद में जब हम लोग एडल्ट होने लगते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि दूध वाला दांत। तो यही जो टीथ है, बिच अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, मतलब हमारे लाइफ में दो बार आ रहा है, एक क्या है टेम्प्रोरी टीथ और एक परमानेंट टीथ। टेम्प्रोरी को डेसीडियस टीथ भी बोलते हैं, परमानेंट को एडल्ट टीथ भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोले, डाइफायोडोंट बोले। और एक और क्या है, हिट्रोडोंट होता है, हिट्रो मतलब डिफरेंट तरह का दांत, जैसे कि हमारे इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिट्रोडोंट बोलते हैं, हिट्रोडोंट। अब आ गया फ्रीनुलम। फ्रीनुलम है क्या, हम पूछेंगे कि टंग, टंग किससे सेट, टंग कैसा है, तो हमारा जो टंग है क्या है, फ्रीली मूवेबल है, हम लोग क्या होता है, टंग को क्या कहीं भी घुमा सकते हैं। तो वो किसी जो जहाँ पे हमारा ओरल कैविटी का जो फ्लोर है, वहाँ पे क्या होता है, ये अटैच होता है। अटैच होता है तो किसी चीज़ से तो अटैच होगा, किसी चीज़ से तो वो अटैच होगा। जैसे कि कोई फिल्म में सीन होता है, हीरोइन क्या करती है, ट्रेन से बाहर क्या करती है, लटकती है, उसको हीरो क्या करता है, उसका ये रस्सी से उसको थामे रखता है। तो समझो कि वो क्या, हीरोइन हमारा क्या है, वो जीव है, और वो हीरो क्या है, हमारा फ्लोर है बक्कल कैविटी का, और जिससे वो पकड़ा हुआ है, जो उसका दुपट्टा हो, रस्सी हो, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, फ्रीनुलम बोल दिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो कभी भी कहीं भी मूव कर सकता है, फ्रीली मूवेबल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं। एक बार देख लो फटाफट, एक बार देख लो क्या था, मेजर कंपोनेंट क्या है फूड का, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स और प्रोटीन है। ये जो प्रोसेस हो रहा है कन्वर्जन करने का कॉम्प्लेक्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिससे हम उसको एब्जॉर्ब बना सके, उसको हम लोग क्या बोल दिए, डाइजेशन बोल दिए। अब जो टीथ है, टीथ कहाँ प्रेजेंट है, सॉकेट ऑफ जॉवर, उसको हम लोग क्या बोल दिए, थीकोडोंट बोल दिए। जो टीथ है, जो ट्वाइस लाइफ में दो बार आता है, उसको हम लोग क्या बोल दिए, डाइफायोडोंट। एक होता है
पर टेम्प्रोरी एक होता है परमानेंट। और अब ये सीन याद रखना हीरो हीरोइन का कि वो जो हमारा जो टंग होता है वो क्या होता है अटैच, जो जहाँ रहता है ओरल कैविटी का फ्लोर पे, उस किससे अटैच होता है तो हमारा फ्री नूलम से अटैच होता है। ये पेज तो हो गया सबका। अब टीथ का देखो, ये क्या था हमारा हिट्रोडोंट। अभी बताया हिट्रोडोंट, जिसमें क्या हमारा इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है। अब देखो कितना कैसे, ये हमारा क्या इंसीजर एक होता है, केनाइन दो, एक इंसीजर हमारा दो हुआ आगे का दांत, फिर केनाइन क्या हो गया, ये हमारा क्या है इंसीजर है, ये क्या है केनाइन है, ये हमारा क्या है प्री मोलर है, और ये हमारा क्या है मोलर है। तो हो गया 2 1 2 3। हमारे ये एडल्ट का क्या होता है डेंटल फॉर्मूला होता है क्या, 2 1 2 3, 2 1 2 3, ये क्या हमारा एडल्ट का डेंटल फार्मूला है। और ई ई क्या रिप्रेजेंट कर, अभी बताया था जहाँ पे क्या होता है टीथ जो इम्बेडेड होता है जो सॉकेट में, सॉकेट मतलब एक उसका क्या बना हुआ है कि तुम यहीं पे तुमको रहना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉकेट ऑफ जॉवन। और ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं थीको डोंट बोलते हैं। अभी पीछे पड़े थे क्या वो बोलते हैं थीको डोंट हम लोग इसको बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो इसको फटाफट से, क्या बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंट बोल रहा है कि ए बी सी डी ई बताओ, ये गिवन डायग्राम उसमें तुमको ए बी सी डी बताना है। तो हम लोग को याद रखना है कि हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है जिसको हम लोग हिट्रोडोंट बोलते हैं, इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, और एक क्या होता है मोलर होता है। इंसीजर आगे का क्या होता है 2 होता है, केनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, और मोलर कितना होता है 3 होता है। ये हमारा क्या एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। और जो टीथ जहाँ पे क्या होता है एम्बेडेड होता है सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट ऑफ जॉबोन बोलते हैं। और ऐसे टीथ को हम लोग थीकोडोंट बोलते हैं, और ऐसे तीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऐसे तीथ को हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोडोंट बोलते हैं। ये पेज भी हो गया, आगे देखते हैं। अब बोल रहा है द अपर सरफेस ऑफ टंग हैच, हमारा क्या देखते हैं टंग, टंग में क्या देखते हैं कि हमारा जो अपर सरफेस होता है ऊपर वाला भाग में छोटा छोटा प्रोजेक्शन होता है, कभी छू के देखो क्या होता है ये दरदरा टाइप का होता है, तो वो क्या होता है जो स्मॉल प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैपली बोलते हैं। ये जो पैपली होता है ये सब मतलब पूरे जीव में ऐसा है, पूरे जीव में ऐसा है, तो ऐसा जो पैपली है स्मॉल प्रोजेक्शन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैपली। और उसमें सब में नहीं, कुछ कुछ में क्या होता है टेस्ट बर्ड होता है, कुछ कुछ क्या बियर करता है टेस्ट बर्ड मतलब पूरा नहीं, हमारे जीभ में पूरे में क्या होता है वो पैपली होता है, लेकिन कुछ ही पैपली में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो टेस्ट बर्ड है, जो हम लोग खा रहे हैं तो पता चल रहा है क्या वो मीठा है, तीखा है, खट्टा। अगर वो पैपली ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा टेस्ट बर्ड भी ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं कॉमन पासेस ऑफ फूड एंड एयर इज कॉल्ड, हमारा हम लोग सब जानते हैं जो कॉमन पासेस होता है किसका फूड और एयर का उसको हम लोग क्या बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। और ये फेरिंग्स फेरिंग्स कहाँ से जाके खुलता है, फूड फूड को हम लोग ओसोफेगस बोल दिए, एयर को बोल दिए ट्रैकिया, एयर को क्या बोल दिए ट्रैकिया बोल दिए, ये तो सभी जानते हैं। फिर एक टर्म क्या है एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, एक कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है, फ्लैप मतलब होता है ढक्कन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्यों इस ये क्या करता है फूड को ग्लॉटिस में जाने में रोकता है, मतलब कहाँ ट्रैकिया में, जैसे फेरिंग से कॉमन पास है फूड का भी एयर का भी, तो दिमाग में तो आएगा कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे एयर वाले रास्ते में भी तो फूड जा सकता है, तो नहीं ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग फूड को खाते हैं फूड हम लोग का अनस्वेलिंग करते हैं तो जो हमारा एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है ग्लॉटिस को ढक देता है, ढक देता है। और ये और क्या करता है फूड इनटू ओपनिंग ऑफ वाइड पिप ड्यूरिंग स्लोइंग, और ये कब ओपन होता है जब हम लोग क्या निगलते हैं तब होता है। ये जो हमारा ओसोफेगस है ओसोफेगस कैसा होता है थीन होता है लॉन्ग ट्यूब होता है, और कैसा होता है और ये जो हमारा ओसोफेगस आगे कहाँ ओपन होता है स्टोमेक में ओपन होता है, स्टोमेक में, स्टोमेक कैसा होता है जे सेप्ट को होता है आगे देखते हैं। अब आता है स्टोमेक, ओसोफेगस कहाँ गया हमारा स्टोमेक में, स्टोमेक लोकेटेड इन कहाँ लोकेट होता है हमारा अपर लेफ्ट पोर्शन में, कहाँ एब्डोमिनल कैविटी में, सब अपने एब्डोमेन में देखो और अपने लेफ्ट पोर्शन में, हमारा पेट कहाँ होता है लेफ्ट पोर्शन में होता है, हमारा हार्ट भी लेफ्ट में ही होता है। और ये पेट का ये जो हमारा स्टोमेक का तीन पार्ट होता है, कितना पार्ट
तीन पार्ट, ऐसे तो फोर पार्ट भी अब एक बर्डी भी इंक्लूड हो गया है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर पार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक बर्डी भी इंक्लूड हो गया है फोर पार्ट। तो पहला पहला पार्ट कौन होता है, जहाँ से ओसोफेगस ओपन हुआ, जहाँ से हमारा ओसोफेगस ओपन हुआ तो वो पार्ट को कार्डियक बोल दिए। और फिर क्या होता है, फंडिक होता है, फिर होता है पाइलोरिक, जहाँ से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ओपन होता है। फर्स्ट पार्ट क्या, डोडेनम, क्या ओपन होता है, डोडेनम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टोमक के बाद कहाँ गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज, इसका भी थ्री रीजन है, कितना, थ्री रीजन, मतलब इसको भी हम तीन में पार्ट दें। सबसे पहला क्या होता है, डोडेनम, कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। फिर लॉन्ग कोलाइड मिडिल पोर्शन, हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लॉन्ग कोलाइड, जो हमारा बीच का पोर्शन एकदम लॉन्ग घुमा 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 हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। और हाईली कोलाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। मतलब हमारा अस्टोमेक का तीन पार्ट था, क्या, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और एक बॉडी। कार्डियक ओसोफेगस जहाँ खुला, पाइलोरिक जहाँ हमारा क्या खुल गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट खुला। फर्स्ट पार्ट कौन है, ये हमारा ड्यूडेनम है। और हाँ, ये फिर एक एक क्या होता है, लॉन्ग कोलाइड मिडिल पोर्शन को क्या बोलते हैं, जेजुनम, और हाईली कोलाइड को क्या बोलते हैं, हम इलियम बोलते हैं। एक बार देख लो फटाफट से क्या है, ये हमारा जो टंग का जो अपर सरफेस में जो स्मॉल प्रोजेक्शन, उसको हम लोग क्या बोल दिए, पेपली बोल दिए। और सम कुछ में क्या होता है, वो टेस्ट बर्ड होता है। फिर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पासेस है किसका, फूड और एयर का। फिर एक क्या होता है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो क्या करता है, फूड को ग्लोटिस में जाने से रोकता है। और ओपनिंग कब होता है, विंड पाइप का, कब, स्वेलिंग में होता है। फिर आता है द स्टोमेक लोकेटेड इन अपर, स्टोमेक कहाँ लोकेट होता है, अपर किस में, लेफ्ट पार्ट में, कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में। कितना पार्ट होता है, थ्री या फोर, फोर आएगा तो फोर में, क्योंकि एक बॉडी भी आ गया इंक्लूड, अभी बता दिए। सबसे पहला पार्ट कार्डियक होता है, जहाँ पे हमारा ओसोफेगस ओपन होता है। दूसरा होता है फंडिक, फिर आता है फिर बॉडी, फिर आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक जहाँ जहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का कौन, ड्यूओडेनम में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, थ्री रीजन इसका भी हो गया। सबसे पहला ड्यूओडेनम, जो कैसा होता है, सी शेप्ड होता है। दूसरा जेजुनम, जो क्या होता है, लॉन्ग कोलाइड मिडिल पोर्शन होता है। हाईली कोलाइड क्या हो गया, इलियम हो गया। ये पेज में एक बार देख लो, कुछ तो ऐसा है नहीं पेज में। अब आके कहाँ खुलेगा, अब आता है, अब हम लोग लाइनिंग पढ़ते हैं। लाइनिंग जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो हो गया, अब आता है एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। ये पीछे आएगा लेकिन अभी बता दे रहे, सिकम, कोलोन, रेक्टम। सिकम क्या होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, जो क्या करता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, होस्ट करता है। और उसी में क्या होता है, वर्मीफोर अपेंडिक्स अटैच होता है, जो हम लोग जानते हैं अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गेन है। और वहाँ पे नैरो फिंगर ट्यूबुलर राइट प्रोजेक्शन होता है। कोलोन जो हमारा असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है, और कोलोन, सिग्मोइड कोलोन उसमें होता है। और ये जो डिसेंडिंग पार्ट जाके रेक्टम में खुलता है, रेक्टम से फिर एनस में आता है, एनस से हम लोग निकाल फेंकते हैं। अब होता है वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बताए थे ट्रांसवर्स सेक्शन का, तो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल, दीवार, जैसे कि हमारा घर है तो होता है ना कि सीमेंट है, ईंट है, बालू है, फिर हम है, फिर दीवार है, फिर हम है, तो वैसे ही क्या हमारा एलिमेंट्री कैनाल भी कुछ दीवारों का बना हुआ है, चार 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 दीवार का। सबसे आउटर मोस्ट को हम लोग क्या बोल दिए, सेरोसा बोल दिए। क्या बोल दिए, सेरोसा। सेरोसा क्या, आउटर मोस्ट लेयर है। देख लो एक बार, क्या है सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो सेरोसा है किसका बना हुआ है, थीन मेजोथीलियम का। थीन मेजोथीलियम, ये जो मेजोथीलियम है, ये क्या होता है, मोनो लेयर होता है। और ये पेवमेंट सेल का बना हुआ होता है, पेवमेंट सेल का। ये क्या होता है कि जितना भी बॉडी का कैविटी है
और इंटरनल ऑर्गेन है सबको लाइनिंग करता है, और जिसके कारण ये क्या होता है, हमारा जो सेरोसा होता है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट जो लाइनिंग होता है आउटर मोस्ट, वो क्या होता है स्लिपरी प्रोवाइड करता है, नॉन एडहेसिव रहता है, मतलब ये नहीं कि कुछ वहाँ से पास हो रहा है तो वो उसमें चिपक जाए, ऐसा नहीं, लेकिन स्लिपरी है और प्रोटेक्टिव सरफेस होता है। इसलिए सेरोसा किस चीज़ का बना है, मेसोथेलियम का बना हुआ। अब आता है उसके बाद सब म्यूकोसा, सेरोसा के बाद आता है सब म्यूकोसा जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, किसका बना हुआ होता है, हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। सेरोसा होता है मस्कुलरिज होता है, सब म्यूकोसा होता है और क्या होता है म्यूकोसा होता है, मस्कुलरिज होता है स्मूथ मसल्स होता है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और आया सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहीं पर हमारा क्या होता है लिम्फ वेसल्स होता है, यहीं पर हमारा क्या होता है सब म्यूकोसा लेयर में हमारा लिम्फ वेसल होता है, ब्लड होता है, लेसेटल्स होता है, सब हमारे किस लेयर में होता है, सब म्यूकोसा में होता है। अब आया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, मतलब जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है सब म्यूकोसा, उसके लेयर में ड्यूडेनम के लेयर में क्या प्रेजेंट, क्या रिलीज, कौन सा ग्लैंड होता है, सब म्यूकोसा होता है। ड्यूडेनम ग्लैंड प्रेजेंट इन किस ग्लैंड में होता है, ड्यूडेनम ग्लैंड सब म्यूकोसा के लेयर में होता है। अब आता है सबसे अंदर का पार्ट, इनर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं, जो किसको लाइनिंग करता है, हमारा ल्यूमेन को लाइनिंग करता है एलिमेंट्री कैनाल में। अब आता है म्यूकोसा लेयर में दो टर्म आता है, एक होता है रुगई, एक होता है विलाई। याद रखना है रुगई कहाँ होता है, स्टोमैक में, विलाई होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकोसा लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, म्यूकोसा कैसा होता है, इरेगुलर फोल्ड होता है, ऐसे ऐसे करके इरेगुलर, बड़ा है छोटा है जैसे भी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं रुगई। अगर वो एस्टोमैक में है, यही म्यूकोसा अगर हमारे एस्टोमैक में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुगई बोल दिए। और फिर यही जो स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई, जो क्या होता है ब्रस बॉर्डर एपिथेलियम होता है, कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, अब ये जो विलाई हमारा क्या करता है, सप्लाई करता है किसके साथ, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के साथ और लार्ज लिम्फ वेसल्स के साथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैसिटियल बोलते हैं। लैसिटियल क्या करता है, बताए थे ये क्या होता है, इसमें लिम्फ वेसल्स होता है, अभी बताएं, और क्या करता है ये फैट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फैट को, फैट का जो स्मॉल मसल्स होता है जिसको हम लोग तोड़ रहे थे इमल्सिफिकेशन करके, ये लैसिटल क्या करता है, हमारे फैट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चलो एक बार फटाफट से फिर ये पेज देख लो, एलिमेंट्री कैनाल का ये क्या है, वॉल है, सबसे बाहरी सेरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और क्या है मेकोसा। सबसे सेरोसा क्या आउटर मोस्ट है, किसका बना हुआ है, थीन मेसोथेलियम का बना हुआ है, जिसके पास कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। मेसोथेलियम जो है मोनोलेयर है और ये पेवमेंट सेल्स लाइक का बना होता है, ये टिश्यू में पड़ेंगे, पेवमेंट लाइक सेल का बना होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड स्लिपरी प्रोवाइड करता है, नॉन एडहेसिव रहता है और प्रोटेक्टिव सरफेस रहता है। उसके बाद क्या है हमारा मस्कुलरीज आए, मस्कुलरीज मतलब स्मूथ मसल्स का बना होता है, इनर सर्कुलर होता है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है। फिर आता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे क्या होता है, हमारा नर्व होता है, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, वेसल्स होता है, यहाँ पे हमारा सब है। फिर आता है सब म्यूकोसा, आएगा ड्यूडेनम ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, कहाँ होता है बताओ, कहाँ होता है, सब म्यूकोसा में। अब ये म्यूकोसा क्या, हमारा इनर मोस्ट लेयर है जो लाइनिंग करता है ल्यूमेन को, कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में। फिर आता है म्यूकोसा लेयर के पास क्या होता है, रेगुलर फोल्ड है, अगर वो हमारे स्टोमक में हो तो उसको क्या बोल दिए, रुगई बोल दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो क्या बोल दिए, विलाई कर दिए, क्या करता है, एब्जॉर्व करते हैं, इसी से एब्जॉर्प्शन होता है। और ये जो विलाई होता है वो सप्लाइड करता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, अभी बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है विलाई, विलाई के पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है लार्ज लिम्फ वेसल्स में, जिसको हम लोग लैसिटियल बोलते हैं। लैसिटियल क्या करता है, फैट को जिसको हम लोग स्मॉल वेसल्स में तोड़ रहे हैं उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। ये पेज भी हो गया। अब आता है सीकम, अभी ऊपर बताए थे सीकम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में था, सीकम जो होता है स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, कैसा होता है हमारा सीकम, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, जो क्या होस्ट करता है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म को, और क्या करता है इसी में क्या होता है, अपेंडिक्स हमारा अटैच होता है, भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गेन होता है। अब ये ड्यूडेनम है, हम लोग सब जानते हैं स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है हमारा? डुओडेनम है. डुओडेनम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है हमारा? डुओडेनम. ये पेज भी हो गया. अब ये देखो, अभी जो बताए थे एलिमेंट्री कैनाल का वॉल क्या क्या है. आउटर क्या है हमारा? आउटर सेरोसा है. फिर क्या है ये? क्या हमारा हो गया? मस्कुलरीज हो गया ये हमारा. मस्कुलरीज जो इनर, इसके जस्ट व्हाट क्या है? इनर सर्कुलर और आउट. और फिर ये क्या है? ये हमारा इनर और ये इसको बोलेंगे आउटर. आउटर क्या होता है? लॉन्गी. ट्यूडनल. फिर आता है सबम्यूकोसा. ड्यूओडेनम कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा? सबम्यूकोसा में. कहाँ होता है? सबम्यूकोसा. फिर आता है म्यूकोसा. फिर ये ल्यूमेन. ल्यूमेन को क्या कर रहा है? म्यूकोसा क्या कर रहा है? लाइन कर रहा है. एक बार सब देख लो क्या है. ये पूछ रहा है लेवल ए बी सी डी ई इन द गिवन ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स. ये हमारा गट का क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन. मतलब क्या है? उसको सर्कुलर कट किए. अब देख रहे हैं सबसे बाहरी सेरोसा क्या? आउटर मोस्ट है. फिर क्या है? इनर क्या है? मस्कुलरीज. मस्कुलरी में इनर सर्कुलर और हमारा आउटर लॉन्गिट्यूडिनल. इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये हमारा आउटर. ये कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है. और फिर आता है सब म्यूकोसा जहाँ पे हमारा क्या होता है? ड्यूओडेनम होता है. अभी बताए थे क्या होता है? ड्यूओडेनम होता है. फिर म्यूकोसा और फिर ल्यूमेन हो गया. अब ये विलाई, अभी बताए थे विलाई का हमारा इरेगुलर फोल्ड अगर कहाँ? स्टोमेक में तो रुए ही बोलती हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या? विलाई बोलती हैं. ए क्या है ये? आगे वाला पार्ट क्या है ये? ए हमारा विलाई हो गया. अब भी अभी बताए थे विलाई के अंदर क्या? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है. इसको हम लोग लेसिटियल बोलते हैं. ये क्या है? लेसिटियल. यहीं पे क्या होता है? ये एब्जॉर्ब होता है. ये सी देख लो एक बार. सी क्या है? सी हमारा कैपिलरीज है. डी क्या है? आर्टरी है. ई क्या है? क्रिफ्ट्स है. इसको क्रिफ्ट्स इन लीवर खून बोलते हैं. एफ क्या है हमारा? वेन है. देख लो एक बार सब सही से. ए हमारा क्या है? ये विलाई है. बी क्या है? लेसिटियल जहाँ से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है. सी हमारा क्या है? कैपिलरीज है. डी क्या है? ये आर्टरी है. ई क्या है? ये क्रिफ्ट इन लीवर खून है. और एफ क्या है? ये हमारा वेन है. हो गया. अब आता है नेम द सेल इन म्यूकोसल. नेम द सेल इन द म्यूकोसल एपिथेलियम दैट हेल्प इन रिप्लिकेशन. वैसा सेल का नाम बताओ जो म्यूकोसल एपिथेलियम में होता है और किस में मदद करता है? ल्यूब्रिकेशन में. ल्यूब्रिकेशन जानते हैं चिपचिपा. तो कौन सा सेल होगा? गॉबलेट सेल. कहाँ से? म्यूकोसल एपिथेलियम से. और क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है. अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा कितना ये ग्लैंड है. हाउ मेनी पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन. क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड भी हेल्प करता है डाइजेशन में. तो सलाइवरी ग्लैंड कितना पेयर होता है? थ्री पेयर होता है. कितना पेयर होता है? थ्री पेयर. कौन कौन? पैरोटिड होता है, सब ल्यूंगल होता है, सब मैंडिबुलर. इसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं. पैरोटिड कहाँ पे होता है बताओ? सब पता होगा, सबको पता होगा. पैरोटिड होता है चीक के पास, हमारे गाल के पास. जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो गाल से क्या हो रहा है? बोल रहे हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है. फिर होता है सब ल्यूंगल. सब ल्यूंगल कहाँ होता है? बिलो टंग, टंग के नीचे. कभी कभी देखना टंग को अचानक से हम लोग क्या करते हैं? ऊपर लेते हैं. तो क्या हमारा ग्लैंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. फिर सब मैंडिबुलर. सब मैंडिबुलर होता है कहाँ? जॉ के नीचे. कहाँ पे? जॉ के नीचे. ये तो सबको पता है. अब पढ़ते हैं, अब देखते हैं. नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. ये बताओ. ये तो सबको पता होगा क्या होता है? लीवर होता है. इसका वेट कितना होता है बताओ? बताओ कितना? 1.22. कितना? 1.5 kg. लार्जेस्ट ग्लैंड है. इसका वेट कितना है? 1.2 to 1.5 kg. ये होता कहाँ है? लीवर हमारा जस्ट बिलो डायफ्राम. डायफ्राम के जस्ट बिलो होता है. और इसके पास कितना होता है? टू लोब्स होता है. कितना होता है? टू लोब्स होता है. लीवर का कितना लोब होता है? टू लोब्स.
और कहाँ था, जस्ट बिलो द डायफ्राम। नेम द, अब आएगा नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, हेप्टिक ग्लोबुल्स है। क्या है, हेप्टिक ग्लोबुल्स। ये जो हेप्टिक ग्लोबुल्स होता है वो कवर्ड किससे होता है, ग्लिंसन्स कैप्सूल से। किससे होता है, ग्लिंसन्स कैप्सूल। और किस चीज़ का बना होता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ का बना होता है, याद रखना है। ये जो हेप्टिक ग्लोबुल्स है किसका बना होता है, ग्लिंसन्स कैप्सूल से, और ये कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से। और ये जो क्या है हमारा जो हेप्टिक ग्लोबुल्स है, इसके पास हमारे एक हेप्टिक सेल होता है फॉर्म कॉर्ड के फॉर्म में, फिर ये हेप्टिक डक्ट बनाते हैं, इसको हम लोग बाइल डक्ट बोलते हैं। ये स्टोर होता है गॉल ब्लडर में, फिर यहाँ से हमारा क्या होता है सिस्टिक डक्ट दोनों, फिर हेप्टिक डक्ट दोनों कॉमन बाइल डक्ट रिलीज होता है। अब आता है बाइल स्टोरिन, अभी बता दिए कहाँ स्टोर हमारा होता है, बाइल डक्ट कहाँ स्टोर होता है हमारा, गॉल ब्लडर में। कहाँ होता है, गॉल ब्लडर में। एक बार ये पेज फिर से फटाफट से एक बार देख लो। नेम द सेल इन द म्यूकोसा एपिथेलियम डेट हेल्प, कौन सा सेल है, तो गॉबलेट सेल हो गया, याद हो गया, चलो हो गया। कितने पैर होते हैं सलेवरी ग्लैंड हमारे ह्यूमन बींग्स में, तो 3 पैर। कौन कौन, पैरोटिट, सब ल्यूंगल, सब मैंडिबुल, मैंडिबुलर। पैरोटिट कहाँ होता है, चीक के पास। पैरोटिट कहाँ होता है, ये हम ये बना के दे दिए हैं, अपलोड कर चुके हैं। कहाँ होता है, चीक के पास होता है, लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, चीक के पास। फिर आता है सब ल्यूंगल, सब ल्यूंगल कहाँ होता है, बिलो द टंग के पास। सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, लोअर जॉ के पास। अब हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारे बॉडी में, याद रखना है क्या, लीवर। कितना होता है, 1.2 से कितना, 1.5 kg। और इसका क्या होता है, कहाँ होता है, डायफ्राम के नीचे। और कितना होता है, टू लोब्स होता है। अब आया बाइल, ये जो हमारा हैप्टिक से लीवर से जो जूस निकल रहा है, इसको हम लोग बाइल डक्ट बोल जूस बोलते हैं। कहाँ स्टोर होता है हमारा, जाके गॉल ब्लडर में एब्जॉर्ब होता है। अब आगे देखते हैं, देखो नेम द डक्ट एराइज फ्रॉम, और जो डक्ट एराइज हो रहा है कहाँ से, गॉल ब्लडर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। जो डक्ट हमारा लीवर से एराइज होता है उसको हम लोग हेप्टिक डक्ट बोले, और जो हमारा गॉल ब्लडर से एराइज हो रहा है उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोले। और ये क्या हमारा, ये हमारा समझो ये है सिस्टिक डक्ट, और ये हमारा क्या है, हेप्टिक डक्ट, और दोनों कॉमन एक साथ निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, कॉमन बाइल डक्ट निकल बोल दें। इन ह्यूमन बींग्स लीवर इज डिवाइड इन टू, अभी बता दिए लीवर कितने लोब्स में डिवाइड होता है, 2 लोब्स में, याद रहेगा। कौन सा डक्ट राइज हो रहा है गॉल ब्लडर से, तो उसको सिस्टिक डक्ट आएगा। लीवर से कौन सा डक्ट राइज होता है, तो हेप्टिक डक्ट। अब आएगा सिस्टिक डक्ट और हेप्टिक डक्ट, दोनों जो एक जगह जाके पास हो रहा है, एक जगह मिल रहा है, तो उसको कौन सा डक्ट बोलते हैं, तो कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। अब आएगा लीवर, लीवर डिवाइडेड होता है कितने लोब्स में, तो 2 लोब्स में, याद रहेगा सबको। अब देखो ये इसमें अच्छे से पता चलेगा, ये क्या है हमारा गॉल ब्लडर है, ये क्या हमारा गॉल ब्लडर है। बी हमारा ये क्या है, पैन क्रियाज है। सी हमारा क्या है, ये ड्यूओडेनम है, याद रहेगा। अब आ रहा है सबसे पहले हेल्प इन कंसेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस, ए पूछ रहा है, ए है क्या, कौन है जो बाइल जूस को करता है कंसनट्रेटर में हेल्प, तो कौन करता है बाइल जूस को, अभी बताए थे गॉल ब्लडर करता है। अब बी अब पूछ रहा है हिक्टोक्राइन ग्लैंड क्या, हिक्टोक्राइन मतलब क्या, जो बोथ एक जो भी हो इंडो भी हो, तो कौन है हमारा, ये तो सभी जानते हैं क्या हमारा, पैनक्रियाज है। अब अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कौन होता है हमारा, ड्यूओडेनम होता है, हो गया ये। द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट, जैसे हमारा क्या था सिस्टिक डक्ट और हेप्टिक डक्ट था, दोनों एक जगह खुल रहा था, उसको हम लोग क्या बोले, कॉमन बाइल डक्ट। तो उसी की तरह ये जो हमारा बाइल डक्ट है और क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, जो एक साथ एक जगह में कहाँ खुल रहा है, ड्यूओडेनम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टो पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और वहाँ पर एक गेट होता है, सब जगह गेट था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई। देख जो अभी बताए थे पेनक्रियाज बोथ होता है, इंडो भी होता है, इक्जो भी होता है। जो इक्जो पार्ट होता है पेनक्रियाज का, वो क्या सेक्रेट हमारा करता है, जूस। और इंडो क्या सेक्रेट करता है हमारा, हॉर्मोन।
हार्मोन, याद रहेगा हार्मोन इंडोक्राइन, मतलब ये क्या डक्ट प्लेस है, इसके पास कोई डक्ट नहीं है। और ये जो ग्रैंड का डक्ट है, जैसे पेनक्रियाटिक जूस, इसके पास डक्ट है, एक ट्यूब है जहाँ से वो रिलीज हो रहा है, लेकिन हार्मोन्स के पास तो कोई डक्ट है नहीं। तो इंडोक्राइन पार्ट हो गया और ये हो गया एक जो ग्रैंड पार्ट हो गया। अब बोल रहा है कौन दो फंक्शन बताओ हमारा बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी क्या भगवान सिर्फ खाने के लिए दिए हैं? नहीं, दो कुछ तो उसका फंक्शन होगा। पहला, वो क्या करता है हमारे फूड को मेस्टिकेशन करता है, मेस्टिकेशन तब पीसता है, और क्या करता है सेलोविंग करता है फूड को, किसके हेल्प से, टंग के हेल्प से। अब आता है म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा में क्या होता है मेरा म्यूकस होता है जो क्या करता है ल्यूब्रिकेट करता है, और मेस्टिकेटेड फूड को क्या करता है बोलस बनाता है। जैसे हम एप्पल खा लिए, तो एप्पल खा लिए तो क्या हुआ, जो बक्कल कैविटी क्या उसको मेस्टिकेट किया, उसके बाद जो सलाइवा में क्या था हमारा म्यूकस था, उसके हेल्प से वो क्या किया ल्यूब्रिकेट करके दोनों को एक जगह पे कर दिया। एक जगह पे करने के बाद क्या होता है हमको स्वेलिंग में क्या होता है प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलस बोल दिए, माउथ क्या बना दिया बोलस बना दिया। अब देखते हैं द गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेस ऑफ फूड इनटू स्टोमिक, कौन है जो कंट्रोल करता है ओसोफेगस से स्टोमिक में जाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है स्फिंक्टर, वहाँ पे भी गेट होता है, जैसे ये हमारा ओसोफेगस है और ये हमारा क्या है पेट है, तो यहाँ पे गेट है, पेट के पास क्या है गेट है, याद रखना। तो उस गेट को हम लोग क्या बोले गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, याद रखना ओसोफेजियल गैस्ट्रो, गैस हमारा कहाँ होता है स्टोमेक में होता है, तो वहाँ पे कौन किसके बीच में हुआ ओसोफेगर स्टोमेक के बीच में, इसको हम लोग गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोल दिए। अब आ गया नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, कौन सा एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है सलाइवा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। इसका कोई पीएच बता सकता है कितना होता है बताओ, 6.8 होता है, जो स्टार्ट से क्या बनाता है मार्टेज बनाता है। फिर आता है सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट, ये जो सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट किसमें होता है अभी बताया था, किसमें स्टार्च को क्या करता है माल्टोज बना देता है, कहाँ बक्कल कैविटी में, काइम क्या बनाता है स्टार्च में माल्टोज, स्टार्च जो है सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में क्या बना दिया माल्टोज बन गया। द केमिकल प्रोसेस, अब हो रहा है जो हमारा जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का, कहाँ स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी में, तो कोई लोग बोलेगा नहीं ओरल कैविटी में केमिकल कहाँ हो रहा है, बस तो हम लोग फिजिकल कर रहे हैं मतलब कि दांत से कर रहे हैं जीभ से कर रहे हैं, तो कैसे नहीं हो रहा है सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ हुआ हमारा पता, ये जो सलाइवरी एमाइलेज है कहाँ प्रोड्यूस हुआ सलाइवा में, और ये स्टार्च को माल्टोज में बना भी दिया, तो हमारा जो केमिकल प्रोसेस कहाँ हो गया स्टार्ट ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो गया। अब मिक्सर ऑफ फूड एंड सलाइवा इन ओरल, जो हम लोग मिक्सर करें फूड को और सलाइवा को कहाँ ओरल कैविटी में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलस बोलते हैं, अभी बताए थे एक जगह कर देता है, तो फूड और सलाइवा को ओरल कैविटी में मिक्स करती हैं, उसको हम लोग नाम दे दिए क्या बोलस। जैसे कोई आदमी है और उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा तो बताए वो मल्टी टैलेंटेड है, वैसे ही हो गया फूड है साथ में उसको हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं बोलस बना दें। नेम द सेल फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेल का नाम बताओ जो कहाँ पाया जाता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो क्या सीक्रेट करता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है, कौन कौन चीफ जाइमोजेन और पेप्टिक सेल बताओ सब, एक बार अपने खुद से बोलो क्या क्या, चीफ सेल जाइमोजेन सेल और पेप्टिक सेल, चीफ सेल क्या करता है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन रिलीज किया पेप्टिक, हाँ हो गया सही है। फिर आगे देखते हैं नेम द फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, कौन सा कोई एक फैक्टर का नाम बताओ जो एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन, तो कौन कैस्टल इंट्रिंसिंग फैक्टर हमारा जो पेराइटल और ऑक्जेंटिंग सेल्स है जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है SCL और इंट्रिंसिंग फैक्टर, यही इंट्रिंसिंग फैक्टर क्या करता है एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को। हमारा जो फूड क्या हुआ था मिक्स हुआ था सलाइवा से, तो उसको हम लोग बोलस बोल दिए, और बोलस हमारा क्या आ गया स्टोमेक में आ गया, स्टोमेक में आके वो हमारा जो फूड है किससे मिक्स हो गया हमारे गैस्ट्रिक जूस से, हमारे पेट के अंदर हम लोग सब जानते क्या होता है SCL गैस्ट्रिक जूस होता है, और उसको हम लोग क्या बना दिए काइम बना दिए, मतलब वो माउथ में बोलस बन गया और पेट में आते आते उसका नाम दूसरा हो गया काइम हो गया। जैसे
हम छोटे होते हैं, बच्चे होते तो हम लोग को कोई बाबू बोलता है, कोई बेबी बोलता है, और अब बड़े होते हैं तो हमारा नाम प्रॉपर हो जाता है, फिर कॉलेज गए, जॉब करने लगे तो हमारा पूरा पूरा नाम होता है। तो वैसे ही पहले बोलस था, फिर क्या हो गया, काइम बना दिए। अब क्या होता है, हाउ पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड, मतलब ये हमारा पेप्सिनोजेन कैसे कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में, कहाँ कन्वर्ट होता है स्टोमक में, याद रखना ये पेप्सिनोजेन होता है जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, और कहाँ होता है तो स्टोमक में, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। नेम द एंजाइम, कौन ऐसा एंजाइम है जो हेल्प करता है डाइजेशन को प्रोटीन में, प्रोटीन्स इन स्टोमक में, तो कौन, पेप्सिन। पेप्सिन जो प्रोटीन्स होता है वो पेप्सिन के प्रेजेंस में टूटता है, किसमें, प्रोटीओजेज में, पेप्टोन्स में, वही बोल रहा है। अब फंक्शन बताओ पेप्सिन का स्टोमक में, अभी बता दिए वो क्या कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में, ये दोनों क्या है हमारा, पेप्टाइड्स है। ये पेज देख लो एक बार अच्छे से, क्या बोल रहा है, नेम द फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, कौन सा फैक्टर है जो इसेंशियल है B12 को एब्जॉर्ब करने में, याद रखना है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अब हमारा फूड किससे मिक्स हुआ, गैस्ट्रिक जूस में, मतलब गैस्ट्रिक जूस कहाँ, स्टोमक में, तो क्या हुआ, काइम बोल दिए। अब पेप्सिनोजेन कैसे कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में स्टोमक में, तो किससे, कंसनट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। अब हो गया कोई ऐसा एंजाइम बताओ विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहा है कहाँ, स्टोमक में, तो किससे, पेप्सिन से। अब पेप्सिन स्टोमक का में उसका फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन्स को तोड़ता है किसमें, प्रोटीओजेज में और पेप्टोन्स में, हो गया। अब आता है नेम द इनएक्टिव एंजाइम, अभी बताया था हमारे पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम होता है, और उस इनएक्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजेन बोलते हैं, कीमोट्रिप्सिनोजेन बोलते हैं, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज बोलते हैं, एमाइलेज लाइपेज निक्लेज, याद रख लेना। पैनक्रियाटिक जूस में हमारा इनएक्टिव एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज लाइपेज और निक्लेज बोले। नेम द नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम, कोई ऐसा नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम बताओ जो हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनोजेन में, तो कौन, इंटरोकाइनेज। ये जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है इंटरोकाइनेज के प्रेजेंस में क्या बना देता है, ट्रिप्सिन बना देता है, क्या बना देता है, ट्रिप्सिन बना देता है, किसके प्रेजेंस में, इंटरोकाइनेज के प्रेजेंस में। वो इंटरोकाइनेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, देखो आ गया, इंटरोकाइनेज सिग्रेटेड बाई कहाँ से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और इंटेस्टाइनल जूस को क्या हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सकस इंटेरिकस भी बोल सकते हैं, मतलब इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम है। एक पेज ये फटाफट से एक बार फिर देख लो क्या है, इनएक्टिव एंजाइम का नाम बताओ जो कहाँ प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस में, जल्दी जल्दी बोलो सब, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज लाइपेज और निक्लिएजेस। अब बता रहा है कि ऐसा कोई नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम बताओ जो क्या हेल्प करता है एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिनो, क्योंकि क्या है, ट्रिप्सिनोजेन हमारा क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, तो इसको एक्टिव बनाने में कौन हेल्प किया, हमारा इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज क्या है, नॉन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब इंटेस्टाइनल जिसको हम लोग और क्या भी बोल सकते हैं, सकस इंटेरिकस भी बोल सकते हैं। अब देखो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अभी बताए थे हम प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में क्या बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया बताओ, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज के प्रेजेंस में हमारा क्या बना दिया, डाई पेप्टाइज बना दिया। ये कहाँ बनाता है, याद रखना, ये कहाँ कर रहा है, काइम में, काइम में, कहाँ, काइम में। अब आता है पॉलीसेक्राइड स्टार्च, क्या बना दिया, डाइसेक्राइड माल्टोज, किसके प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक एमाइलेज मतलब सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में। ये भी कहाँ बनाया, तो ये भी बनाया कहाँ, काइम में, ये से हम पढ़ा चुके हैं। फिर आया फैट्स, फैट्स पैनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज के, लाइपेज क्या होता है, फैट को तोड़ता है, तो क्या बना दिया, डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स बना दिया। ये कहाँ बनाया, फैट कहाँ हो रहा है, बाइल में, बाइल जूस में। अब आया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बना दिया। ये कहाँ किया, पैनक्रियाटिक जूस में। एक बार फिर से देख लो, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज ये किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जिसके प्रेजेंस में क्या, टाइपेप्टाइड्स बना देता है, जिसको हम लोग
एब्जॉर्बर फॉर्म में हम लोग को बनाना है, तो सिंपल से सिंपल हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। तो काइन में क्या हुआ, इसको हम तोड़ दिए डाइपेप्टाइड्स में। अब पॉलीसेकेराइड स्टार्च को तोड़ दिए किस में, डाइसेकेराइड में। किसके प्रेजेंस में, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में, काइन में। अब फैट्स को पैनक्रियाटिक लाइपेज के प्रेजेंस में डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में तोड़ दिए बाइल में। अब न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियेजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए, न्यूक्लियोसाइड्स बना दिए। अब देखते हैं, अब डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स को तो हम लोग तोड़ दिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको और छोटे फॉर्म में तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एब्जॉर्व करना, हमारा टिश्यू उसको एब्जॉर्व करेगा। तो डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेज के प्रेजेंस में क्या बना दिए हम लोग, एमिनो एसिड बना दिए। ये हमारा ये सब क्या, हमारा क्या है, सक्कस इंटेरिकस के प्रेजेंस में। माल्टोज को माल्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना दिए। लैक्टोज को किसके प्रेजेंस में, लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बना दिए। ये सब तो बच्चा वाला सबको याद होगा। सुक्रोज को सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना दिए। अब न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंस में शुगर प्लस बेस बना दिए। अब डाई और मोनोग्लिसराइड्स, इसको फैट से तोड़े थे, अब लाइपेज के प्रेजेंस में क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिए। आगे देखते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है डाइजेस्टेड फूड का, हम लोग का फूड को तो डाइजेस्ट करती है, उसको एब्जॉर्प्शन होगा तो कहाँ हो रहा है, जेजुनम में होता है। जेजुनम किसका पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होता है तीन तरह का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट कर पड़े थे ना, पैसिव एक्टिव फैसिलिएट। तो जैसे कि एक होता है पैसिव, पैसिव में क्या होता है, उसको हम क्या, मतलब वो लेजी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड है, हाई से लो में जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लोरीन। और फिर एक्टिव में क्या होता है, जो एक्टिव इसके पास एनर्जी है, मतलब जिसमें अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है और सोडियम, ये ब्लड में जाता है। फैसिलेटेड क्या होता है, नेम, अब ये पूरा नेम द प्रोसेस बाय व्हिच, जहाँ पे फ्रुक्टोज और अमीनो एसिड क्या होता है, एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कहाँ होता है, फैसिलिएटेड में, जहाँ पे फ्रुक्टोज और कुछ अमीनो एसिड किससे होता है, फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसको फैसिलिटी मिल रहा है ट्रांसपोर्ट। अब बोल रहे वाटर का ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड है हमारा, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड है, किस पे, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, हम लोग उसको डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकते ब्लड में, क्यों, क्योंकि ये हमारा पानी से क्या है, इनसोल्यूबल है। याद रखना, जो हमारा फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, इसको हम लोग डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, वाटर में ये क्या है, इनसोल्यूबल है। ब्लड क्या है, पानी ही है, सॉलिड तो है नहीं। ये तो हमारा हो गया था, जिसको क्या बोलते हैं, अपर लेफ्ट पर्सन, इसको ये हो गया था। अभी लास्ट, लास्ट क्या है, डिसऑर्डर, सब जानते हैं डिसऑर्डर। सबसे पहले द लीवर इज अफेक्टेड, देखना लीवर किस में अफेक्ट होता है, जॉन्डिस में, याद है, इसमें आई स्किन सब का येल्लो हो जाता है, किसके कारण, बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन के कारण हो गया हमारा जॉन्डिस। अब आता है दूसरा वॉमिटिंग, ये क्या, इंजेक्शन ऑफ एस्टोमैक कॉन्टेंट थ्रू माउथ, मतलब माउथ एस्टोमैक का कॉन्टैक्ट हमारा कहाँ से निकल रहा है, माउथ से, इसको हम लोग वॉमिटिंग बोले। इसमें क्या होता है, रिफ्लैक्स एक्शन होता है, और वॉमिटिंग सेंटर को कौन कंट्रोल हमारा करता है, मेडुला करता है, याद रखना है। इसमें हम नोजिया प्रोड्यूस होता है, देखते हैं वॉमिटिंग के पहले चक्कर आने लगता है, सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है, गर्मी होने लगता है, वही नोजिया हो गया। अब आया डायरिया, डायरिया में क्या होता है, एब्डोमिनल एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ वोवल मूवमेंट, वोवल मूवमेंट मतलब मोशन, जिसको बोलते हैं बाथरूम, मतलब फील होना कि अब हमको बाथरूम जाना है, तो वो मूवमेंट क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब वो जो मूवमेंट होता है हमारा, मोशन पागल हो जाता है, वो अपना आपा खो बैठता है। इसके कारण इंक्रीज्ड हो जाता है क्या, लिक्विडिटी फिकल डिस्चार्ज में हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। अब डिस्चार्ज हो गया, इसके कारण हमारा पूरा विलाई का सब ब्लड वेसल्स भी टूट टूट के निकलने लगता है, तो इसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब डिकन्स्टिपेशन, कंस्टिपेशन क्या है, द फीसेस आर रिटेंड विथ इन द कोलोन, जैसे हमारा जो फीसेस है कहाँ फंस चुका होता है, रेक्टम में ही, रेक्टम में या कोलोन में, और हमारा जो वोवल मूवमेंट है, मोशन है, इरेगुलरली हो गया। इरेगुलरली मतलब वो क्या हो गया, जैसे हमारा डायरिया में क्या था, हमारा मोशन आपा खो बैठा था, इसमें क्या था, वो जिद्दी हो गया, मतलब हम
अभी अपना मोशन करेंगे ही नहीं, तो वह कंस्टिपेशन होता है। जैसे कि 2 दिन हो गया बाथरूम गया हुआ, 3 दिन हो गया, तो उसको हम लोग कंस्टिपेशन बोलते हैं। डायरिया मतलब एक दिन में हम लोग जा रहे 10 बार भी जा रहे हैं, 15 बार भी जा रहे, 6 बार भी बाहर जा रहे, जितने बार। अब आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब कुछ खाएं और हमारा पचन, जैसे कि फैट्स को हम लोग खा लेते तो उसको 6 से 7 घंटा चाहिए हम लोग को पचाने में, लेकिन खा के हम लोग सीधे लेट जाते हैं, आके रेस्ट करने लगते हैं, इससे हमारा HCL का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, तो पचने में टाइम लगता है। तो वही हो रहा है। इन दिस कंडीशन द फूड इज़ नॉट, मतलब हम फूड जो हमारा प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं होता है, और इससे हम लोग को फीलिंग मतलब कैसा लगा कि लग रहा है कि नहीं हम तो मेरा पेट भरा हुआ है, खाने का ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। एक और लिखते थे डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में क्या था, जॉन्डिस था, जिसमें हमारा लीवर इफेक्ट होता है, स्किन आइज येलो हो जाता है क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन होने लगता है। फिर क्या होता है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है, स्टोमिक का जितना भी कंटेंट है माउथ के थ्रू इजेक्ट निकल जाता है। ये इसमें क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन ना हुआ, क्योंकि माउथ से निकल रहा है, उसको एनस से निकलना चाहिए, वो हमारा माउथ से, तो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और ये जो हमारा कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है देख लो एक बार, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मेडुला। अब आया डायरिया। डायरिया क्या होता है, याद रखना, हमारा जो मोशन है अपक हो बैठता है, और फीकल डिस्चार्ज लिक्विडिटी के साथ इंक्रीज्ड हो जाता है, इसके कारण फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कंस्टिपेशन में क्या वो होता है, वो जिद्दी बन जाता है, जाके वो रेक्टम में बैठ जाता है, रेस्ट करने लगता है। अब बोलता है यहाँ, जब तक तुम अब हमको पानी नहीं दोगे, फाइबर नहीं दोगे, तब तक मैं यहीं पर रहूँगा, तो उसको हो गया कंस्टिपेशन। अब आ गया इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब हम खा के रेस्ट करने चले गए, उसको हर का अपना अपना फैट का अलग टाइमिंग है, सबका अलग अलग टाइमिंग है, तो हम लोग प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते, इससे हम लोग को कैसा लगता है कि फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, मतलब पेट भरा हुआ लगता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। ये पूरा डाइजेशन का NCR हमारा था, जिसमें एक बार 20 मिनट 30 मिनट में हमारा इंस्टेंट रिवीजन हो सकता है। ब्रीथिंग का भी करवा देंगे, जैसे जैसे चैप्टर करवाते रहेंगे वैसे वैसे हम सबका NCR क्वेश्चन डायग्राम सबका निकाल के देते रहेंगे। आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो और आगे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।